इसके अंदर हमें दो जो है आई लेंस देखने को मिलते हैं, एक ये है जो हमारा 10x का है, ठीक है, 10 गुना आवर्धित करके दिखाएगा चित्र को, है ना, यानी बड़ा करके दिखाएगा, और एक ये लेंस है जो हमारा 15x का है, यानी 15x का, दिख रहा है, ये आपका है 10x का और ये है 15x का, है ना, ये और ज़्यादा जूम करेगा, ठीक है, किसी भी जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे देखने के लिए वो 15 गुना जूम करके दिखाएगा इसको। ये जो है ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट की जाती है, इसका काम क्या, देखो या तो आप ये मिरर लगाइए, भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा है यार, देखिए या तो हम ये मिरर इस्तेमाल करें, हमने पढ़ा है 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी सूक्ष्मदर्शी होती है वो प्रकाश के बेस पे, यानी प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होती है ना, क्योंकि यह बिना प्रकाश के काम नहीं करेगी, यानी इसके इस सूक्ष्मदर्शी को काम करने के लिए प्रकाश की हमको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब इसके लिए इन्होंने दो माध्यम दिए हैं, इन्होंने कहा है या तो आप ऐसे लेंस लगा दीजिए इसके अंदर इस प्रकार से, और इसको ऐसे ऐसे करेंगे 45 डिग्री पर, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण पड़ेगी और टकरा करके अंदर लेंस में जाएगी, बात समझ में आ रही है। अब या फिर जैसे मान लिया आप आउटडोर हुए, यानी कि आप बाहर हुए खुले में और दिन है, तो आराम से ये चीज़ काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें दूसरी चीज़ है, अगर जो मान लिया आप कभी रात में किसी चीज़ को चेक करना चाहें, देखना चाहें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक लाइट लगी हुई है, यही जो LED वाली लाइट आती है, हम यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखो जल रही है ना, ये देखो यहाँ से इसकी जो है पावर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया हम कमरे के अंदर हैं, उजाला नहीं है वहाँ पर, लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करके जो है काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अगर जो आप लाइट कम ज़्यादा भी करना चाहें तो आप वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी ठीक इसी प्रकार ऐसे लगा दिया जाता है, ये देखिए, ठीक, कुछ नहीं करना है, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी, इन इसके और इसके बिना आप कुछ नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ये तो लाइट की व्यवस्था हो गई इसमें। अब आते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, आप यहाँ पर देखिए हमको 3 प्रकार के लेंस मिले हैं, है ना, हम इसको जो है इस प्रकार से घुमा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आप जो भी चाहें वो लेंस यहाँ पर ऐसे घुमा घुमा के सेट कर सकते हैं। अब हमको मिला है यहाँ पर 5x का, है ना, और ये है आपका 10x का, और ये है 45x का, ठीक है, हमको 100x का चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है, हमने ऑर्डर वही करवाया था, लेकिन ये पता नहीं कैसे क्या होकर के गड़बड़ा गया, अब वही लेंस जो है मंगवाना पड़ेगा, तो इसी में से ये वाला 5x का हटा के ये खुल जाते हैं यहाँ से, और 100x का लगा दिया जाएगा, ये देखो खुल गया है ना, ये देखिए, यानी 100x का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग 100x को मंगवा लेंगे, जिससे हमारे पास और जूमिंग पावर आ जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा, किसी चीज़ को अगर जो हमको देखना होगा तो हम और बड़ा करके देख सकेंगे, है ना। ये कुछ इस प्रकार से ऊपर आपको सिर्फ रख देना होता है, ठीक, अब जब हम रख देंगे तो यहाँ पर आप देखो ये जो नली है ये एकदम सीधे यहाँ तक ऑब्जेक्ट लेंस जो भी आप यहाँ पर रखेंगे ना वो सीधे देखिए इस लेंस के द्वारा हमको दिखाया जाएगा, है ना, इसको ऐसे घुमा देंगे, जैसे ही पकड़ के घुमाएंगे ये देखिए यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है, इसको तुरंत से ये सेट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक बार मिरर लगा करके हम चेक करते हैं थोड़ा सा, दूसरी चीज, एक चीज़ यहाँ पर और देखिए आप लोग, इसके अंदर यहाँ पर एक कवर दिया हुआ है, जब तक हम इसको ऐसे करके ओपन नहीं करेंगे तो लाइट अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, लाइट अंदर सही से जाएगी तभी जा करके हमको कोई चीज़ दिखेगी। अभी कोई भी यहाँ पर जो है ये कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रखा है, यानी कोई भी चीज़ जो हमको जिसको जिसको देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर वो स्लाइड यहाँ पर होनी चाहिए बनी बनाई, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जैसे मान लिया ये हमारे पास इसके अंदर कांच की स्लाइड है,
तो कांच की स्लाइड कुछ यहाँ पर इस प्रकार से लगाई जाती है। मैं थोड़ा एक मेरे पास रखी हुई थी वो पहले वाली, मैं उसको लाना भूल गया। मैं स्लाइड आपको बताता हूँ, पहले आप चेक करके देखिए कैसे लगाई जाती है। करते क्या हैं हम, इस चीज़ को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, खींच रहा है ना, फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपने कुछ भी स्लाइड में रखा, जैसे मान लिया ब्लड हो गया, ठीक है, जो भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइड पर क्या करेंगे, उस ब्लड को डालेंगे। और हमारे साथ कुछ छोटी स्लाइडें भी मिली हैं, ये देखिए इसके अंदर हैं, बहुत ही पतली हैं ये, ठीक है, इनका काम और कुछ नहीं है, जैसे मान लिया एक स्लाइड मैंने इसमें से निकाली है, देखो, ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने ब्लड रखा और ब्लड के ऊपर ये ऐसे रखी, मतलब रख दी जाएगी। ये इसलिए रखी जाती है, आप नहीं भी रखेंगे तब भी दिखेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है इसको रखने के, जैसे मान लिया जब हम लेंस को ऊपर नीचे करेंगे तो मान लिया आपने ब्लड लगा रखा है तो वो लेंस में फिर लग जाएगा, है ना, तो लेंस जो है गंदा हो जाएगा, जिससे साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो मतलब इससे ये फ़ायदा रहता है, मेन काम तो इसका यहाँ पर यही है, ठीक है। आप ऐसे भी इस स्लाइड के ऊपर रखते हैं ब्लड काम करेगा। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे करना है, खींचना है और ऐसे इसको यहाँ पर रख देना है। ये देखिए स्लाइड क्या हो गई, ये स्लाइड इसमें एडजस्ट हो गई, फंस गई, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर ये दो बटन दिए हुए हैं, ठीक है, हम अगर जो नीचे वाला मूव करेंगे तो ये देखो इधर उधर खिसक सकता है भाई, स्लाइड में आप जब रखेंगे तो इधर उधर खिसकाना भी तो पड़ेगा ना देखने के लिए किसी चीज़ को। अब देखिए इससे क्या होता है, आगे पीछे हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप पूरी स्लाइड को घुमा करके इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा अगर मुझे आगे पीछे करना है तो ये ऊपर वाला आपको पकड़ना है और ऐसे मूव करवाना है, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इस प्रकार से आप आगे पीछे इसको घुमा सकते हैं, दाएं बाएं मूव करा सकते हैं, ठीक है, ये है इसका कार्य पूरा। इस स्लाइड के ऊपर इस चाक के पाउडर को हम यहाँ पर थोड़ा सा डाल देते हैं, आप हल्का लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, हल्का वाटर हो तो लाइए। देखो हमने क्या किया है, थोड़ी सी जो यहाँ पर हमने चाक का पाउडर लिया और एक बूंद क्या किए हैं, वाटर भी ऐड कर दिए। अब हम इस छोटी वाली स्लाइड को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक, फिर क्या करना है, इसके अंदर ऐसे चुपचाप हमको लगा देना है, ये देखिए, ठीक है, अब ये लग चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देखिए, ठीक है, अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। अब अगर जो हम इस लेंस के, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमको थोड़ा इधर करना पड़ेगा क्योंकि लाइट इधर से आ रही है ना। अब हम इसको घुमा के देखेंगे, अभी देखिए जो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मतलब सही से नहीं दिखा रहा है, तो हम यहाँ से इस लेंस को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करेंगे, यानी फोकस करेंगे, है ना, सही से, जैसे कैमरे में फ़ोटो लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ना, तो हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर नमक का एक घोल तैयार कर लिया है, अब इसकी एक ड्रॉप जो है हम स्लाइड बना लेंगे, ठीक है, यानी कि एक बूंद इसकी जो है स्लाइड पर ऐड करेंगे, ठीक, अब हम इसको रख देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से रखना है हमको, ठीक, कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो गया। अब हम अगर जो इसको यहाँ पर जूम करेंगे, हम थोड़ा स्लाइड को खिसकाते हैं ना, ये देखो, आ जाओ भैया आ जाओ, ये देखो, देखिए 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 देखिए, ये देखो संरचना मिली, देखो ये कुछ ऐसे ही जो छोटी छोटी ये जो जगहें होती है ना, इसी के बीच में हमारे देखो यहाँ पर एडजस्ट है, हमारा जो नमक का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो यहाँ पर देखिए एडजस्ट हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब इस पूरी स्लाइड को हम खिसका करके आप लोगों को फिर से दिखा दे रहे हैं एक बार, ये देखो, ये देखो सर जी, सबको अकेले अकेले दिखाई दे। अब हम आप लोगों को एक बार आंख से सबको दिखाई दे रहे हैं ना। यस सर।